कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद अपनी पार्टी शुरू करने के लिए पूरी तैयार हैं और एक पखवाड़े के भीतर जम्मू कश्मीर में इसकी पहली यूनिट का गठन किया जाएगा। उनके करीबी विश्वसनीय सहयोगी जीएम सरूरी ने शनिवार को यह जानकारी दी। सरूरी ने जोर देकर कहा कि जम्मू कश्मीर की 5 अगस्त 2019 से पहले की स्थिति की बहाली पार्टी के घोषणा पत्र का हिस्सा होगी। एक पूर्व मंत्री जो जम्मू कश्मीर के कई प्रमुख कांग्रेस नेताओं में से थे, जिन्होंने आजाद के समर्थन में पार्टी की मूल सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। सरूरी ने कहा कि उनके नेता वैचारिक रूप से धर्मनिरपेक्ष हैं और उनके भाजपा के इशारे पर काम करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। उन्होंने यह भी दावा किया कि जब पूर्व मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय पार्टी के साथ अपने 5 दशक से अधिक लंबे अरसे के संबंध को समाप्त कर दिया था, तो सैकड़ों वरिष्ठ कांग्रेस लीडर्स, पंचायती राज संस्थाओं के मेंबर्स और प्रमुख कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस की जम्मू कश्मीर यूनिट के पूर्व वाइस प्रेसिडेंट सरूरी ने कहा कि आजाद हमारी नई पार्टी की शुरुआत से पहले अपने शुभचिंतकों के साथ विचार विमर्श करने के लिए 4 सितंबर को जम्मू आ रहे हैं। शुक्रवार को अपने इस्तीफे के कुछ घंटों बाद आजाद ने कहा कि वह जल्दी एक नई पार्टी शुरू करेंगे और इसकी पहली यूनिट जम्मू कश्मीर में स्थापित की जाएगी। डोडा जिले के भद्रवाह के रहने वाले आजाद ने शुक्रवार रात बताया था कि मुझे अभी कोई राष्ट्रीय पार्टी शुरू करने की कोई जल्दी नहीं है, लेकिन ये ध्यान में रखते हुए कि जम्मू कश्मीर में चुनाव होने की संभावना है, मैंने जल्दी ही वहाँ एक यूनिट शुरू करने का फैसला किया है। समर्थन देने के लिए शुक्रवार को नई दिल्ली में कई पूर्व विधायकों के साथ आजाद से मुलाकात करने वाले सरूरी ने कहा कि अनुभवी राजनेता अगले एक पखवाड़े के भीतर पार्टी के शुभारंभ का ऐलान करने जा रहे हैं। हमें खुशी है कि वे जम्मू कश्मीर लौट रहे हैं, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में 2 नवंबर 2005 से 11 जुलाई 2008 तक कार्य किया। लोग उनके शासन को एक स्वर्ण युग के रूप में देखते हैं और चाहते हैं कि वे मौजूदा स्थिति से जम्मू कश्मीर को बाहर निकाल लें। सरूरी ने कहा कि नई पार्टी समाज के सभी वर्गों के बीच विकास और एकता पर ध्यान केंद्रित करेगी और 5 अगस्त 2019 से पहले की स्थिति की बहाली के लिए संघर्ष करेगी। 5 अगस्त 2019 को केंद्र ने संविधान के आर्टिकल 370 के तहत जम्मू और कश्मीर के विशेष दर्जे को रद्द कर दिया था और तत्कालीन राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया था। सरूरी ने कहा कि आजाद के जाने के साथ ही जम्मू कश्मीर में कांग्रेस लगभग खत्म हो चुकी है। उन्होंने कहा, आजाद से मिलने के लिए जम्मू कश्मीर से नेताओं की कतार आई हुई है ताकि वे अपना समर्थन दे सकें। हमें PRI मेंबरों से सैकड़ों त्यागपत्र मिले हैं, जिनमें जिला और ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर्स और कई नगर निगम पार्षद शामिल हैं। कई पूर्व मंत्रियों और विधायकों सहित 1 दर्जन से ज़्यादा नेताओं ने आजाद के समर्थन में कांग्रेस की प्राइमरी मेंबरशिप से इस्तीफा दे दिया है और शनिवार को नई दिल्ली में आजाद के साथ बैठक के बाद पूर्व उप मुख्यमंत्री ताराचंद जैसे कई अन्य नेताओं के इस्तीफा देने की संभावना है। कांग्रेस के उस बयान का जिक्र करते हुए जिसमें उन्होंने आजाद पर उनके इस्तीफे के बाद भाजपा के साथ सहयोग करने का आरोप लगाया था, सरूरी ने कहा कि जो लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं वे जमीनी हकीकत से आंखें मूंद रहे हैं या पा रहे हैं कि उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसक रही है। वह एक धर्मनिरपेक्ष नेता है जिन्होंने पिछले 5 दशकों में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए काम किया। उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व से ऐसा निर्णय लेने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाते हुए पूछा, वास्तव में हम सभी ने अपना खून पसीना दिया है, लेकिन आप उस पार्टी में कैसे रह सकते हैं जो आपका लगातार अपमान कर रही है। अपने करियर की चिंता अब आप छोड़िए करियर मेकअप इंस्टीट्यूट पर, क्योंकि करियर मेकअप इंस्टीट्यूट आपको दे रहे हैं बेहतरीन स्टाफ की टीचिंग के साथ सरकारी नौकरी में 100% सिलेक्शन की गारंटी। करियर मेकअप इंस्टीट्यूट में आपको JKP बॉर्डर बटालियन, VLW, नायब तहसीलदार, जूनियर असिस्टेंट, कम्बाइंड JKSSB कोर्सेज करवाए जाते हैं। इसके अलावा JKPSI कोर्सेज के लिए फ्रेश बैचेस भी शुरू हो रहे हैं। यही नहीं, 12th क्लास के रीअपेयर स्टूडेंट्स के लिए भी कोचिंग क्लासेस उपलब्ध हैं, जहां स्टूडेंट्स को फ्रेश कोर्सेज के साथ बोर्ड एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट स्टडी मटेरियल भी मिलेगा। और तो और, जो स्टूडेंट्स दिन में जॉब के कारण कोचिंग नहीं ले पाते, उनके लिए करियर मेकअप इंस्टीट्यूट JKSSB के कम्बाइंड कोर्सेज के लिए इवनिंग क्लासेस भी शुरू कर रहा है।